खंडवा जिला अस्पताल के प्री आइसोलेशन वार्ड में भर्ती सिंध समाज के एक युवक की देर रात मौत के बाद आज सुबह सिंध समाज के लोगों ने अस्पताल में प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों के हंगामे के बाद खंडवा एसडीएम और सीएसपी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने कहा कि युवक 9 मई से अस्पताल में भर्ती था तथा उसकी सैंपल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। देखिए साहब, ये 9 तारीख से ये बच्चा यहाँ पर एडमिट था और यहाँ पर जब हमारे डॉक्टरों से लगातार चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया है कि वो काफ़ी ठीक स्थिति में है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस जान जाने के पीछे जो मैं देख पा रहा हूँ वह प्रशासनिक एक चिकित्सकों के एक लापरवाही के रूप में है। मैं देख रहा हूँ इसको, 10 तारीख को जब इसका सैंपलिंग लिया गया था उसकी रिपोर्ट आज दिनांक तक अवेटेड है, जबकि इसके बाद की 11, 12 और 13 तारीख की रिपोर्टें लोगों को मिल चुकी है। चूँकि यह बच्चा एक माइग्रेन से पीड़ित था, उसके मन के अंदर इतना भय भरा गया, वो बार बार कॉल करके पूछता था कि आखिर मेरी रिपोर्ट कहाँ है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। वो अंत तक पता नहीं कर पाया और आखिर कल वो माइग्रेन के उस अटैक से, जो डॉक्टरों को जो कहना है कि माइग्रेन के उस अटैक से उसकी मौत हो गई। अगर इस तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी, इस तरीके से कोरोना योद्धा डॉक्टर यदि इलाज करेंगे, बात केवल सिंधी समाज की नहीं है, बात पूरे शहर के 3 लाख लोगों की, जिले के 8 लाख लोगों की है। ऐसे समय में पूरे जिले के जितने भी लोग हैं जो इस समय संक्रमण में हैं या जो घरों में बैठे हैं, जो डरे हुए हैं, उनके एक अंतिम आस केवल जिला चिकित्सालय है। यदि वहाँ पर इस तरीके का इलाज होगा, इस तरीके की लापरवाहियाँ होंगी, तो उसके लिए तो मैं कहता हूँ कि केवल मैं दायित्व तो इनका नहीं मानता हूँ, जिला कलेक्टर का है, इसमें जिला चिकित्सालय का, इसमें बहुत से प्रशासनिक अधिकारी भी, उनकी भी सहभागिता है। कल रात में एक डेथ हुई है जो जेठानंद बाजवा जी की, उसके बारे में समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, उन्होंने बताई है कि ये व्यवस्था है, वो अव्यवस्था है, उन्होंने 2-4 चीज़ें बताई, उसको मैंने सुन लिया है, मैंने नोट कर लिया है, उसको मैं अभी भी वरिष्ठों के ध्यान में ला रहा हूँ और अस्पताल की व्यवस्थाएं और ज़्यादा दुरुस्त कैसे हो सके उसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे। सब लगातार मौतें हो रही हैं सारी वार्ड में, परसों भी 3 मौतें हुई थी सर, इस तरह की कितनी मौतें हुई प्रशासन स्पष्ट करें? नहीं, ये इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ इस बात के लिए, इसके बारे में आपको हॉस्पिटल प्रबंधन से ही बात करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पर जो कि सिंधी समाज इकट्ठा हुआ था, मैं उनके लिए यहाँ पर आया हूँ।